ऐसा होता ना तो दुनिया में कोई दुखी नहीं होता, सब खुश होते। और भगवान भी जानता है जिनकी बातों में, जिनके दिमाग में इतना विष भरा हो, उनकी विशेष कभी पूरी नहीं होती। क्या बोला तुमने? हाँ, मैं जब भी बोलती हूँ जहर उगलती हूँ। How dare you? आवाज नीचे। तुम्हारी बातें सुन के ना सर में दर्द तो होने ही लगता है, इसे चिल्लाओगी तो कान भी दुखने लगेंगे। और तुम जो करती हो, अरे मेरे सीने में दर्द होता है, दिल दुखता है मेरा। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं रणबीर को कितना प्यार करती हूँ, फिर भी तुम अपनी बहन को ऐसे ना। डिसाइड कर लो, क्या हो तुम? मेरी बहन हो या सौतर हो? क्योंकि एक टाइम ना एक ही रिश्ता निभा सकती, मैं दो दो रिश्ते नहीं निभा सकती। और कुछ भी कहलाओ अपने आप को, बहन या सौतन, प्यार तो तुम्हें मिलने से रहा। क्योंकि अब मैं अपनी बहन को लेकर कमजोर नहीं पड़ूंगी, कोई प्यार नहीं है मेरे दिल में उसके लिए। और दुनिया जानती है सौतन को किसी का प्यार नहीं मिलता, और तुम तो इल्लीगल सौतन हो। क्या लगता है तुम्हें मेरे बहन बोल देने से मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार जाग उठा है? नो नो, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। इनफैक्ट मैं जब भी तुम्हारा चेहरा देखती हूँ ना, मेरा खून खोल उठता है। मत देखो मुझे। अगर मुझे देखने से तुम्हारा खून खोल के आधा हो जाता है तो दिमाग तो खराब हो ही जाएगा तुम्हारा, तो अपने सो कॉल्ड पति को रिझा कैसे पाओगे? यू डोंट वरी अबाउट दैट। मुझे अपने पति को कैसे रिझाना है मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम बस मेरे पति से दूर रहो। ये देख रही हो तुम पल्लू, इसमें कुछ बंधा हुआ दिख रहा है तुम्हें? या मैंने चोटी बांधी है उससे कुछ बांध के रखा है? नहीं ना, तो मैंने तुम्हारे सो कॉल्ड रणबीर को अपने पल्लू से, अपनी चोटी से बांध के नहीं रखा है। तो ये कहना बंद करो कि दूर रहो उससे, दूर रहो उससे, नहीं है वो मेरे पास, नहीं जाती मैं उसके पीछे। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ रिया, पता है? दैट इज योर प्रॉब्लम। आई नो यू सो वेल, आई नो यू इन एंड आउट, सब पता है मुझे। जो बात करती हो उसका मतलब क्या होता है, तुम्हारे हिडन एजेंडा, तुम्हारी प्लॉटिंग प्लानिंग, सब जानती हूँ मैं। एनिवर्सरी पार्टी में तुमने सबके सामने क्या कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? हाउ डेयर यू। अगर तुम्हें डाउट था मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं, तो तुम्हें नहीं लगता सबसे पहले तुम्हें मुझे पूछना चाहिए था, मुझसे बात करनी चाहिए थी? तुम सबके सामने तमाशा बनाने का क्या मतलब था, क्या जरूरत थी? तुम एक औरत हो रही है, फॉर गॉड्स सेक, तो भगवान ने चाहा ना तो कल तुम भी माँ बनोगी। एक औरत होने के बावजूद तुम किसी की माँ बनने का इतना बड़ा मजाक कैसे बना सकती हो? बहन या सौतन, क्या तुम एक औरत कहलाने के लायक नहीं? क्योंकि कोई भी इंसान ना कितना भी बुरा हो, किसी की माँ बनने का अपमान कभी नहीं कर सकता, यूं मजाक नहीं बना सकता। माँ बनना एक औरत की जीवन का सबसे बड़ा सुख होता है, उस सुख को तुमने एक श्राप की तरह पेश किया। तमाशा मत करो, आज होली और सब आए हुए हैं। आज कोई होली होली नहीं है, अगर होली होती ना तो मैं रणबीर के साथ होली खेल रही होती। लुक एट मी हियर, और वो प्राची के साथ। अभी फिलहाल यहाँ से उठो, कम ऑन, लीव मी बूजी। मैंने कहा ना उठो यहाँ से, उठो। थोड़े दिनों से खांसी हो रही है, वो क्या है ना, लगता है कि रंग थोड़ा होली का अंदर चला गया है ज्यादा सांस में। तो थोड़े दिनों से हो रही है, तो आपने दवाई खाई है? हाँ ले रही हूँ, दवाई भी ले रही हूँ। पर दवाई लिए तो अभी तक ठीक हो जानी चाहिए थी ना। तो आप मुझे बताइए आपका किचन का। अरे मुझे मुझे ना एक काढ़ा बनाना आता है, उससे ना खांसी तुरंत दूर हो जाती है। आप बस मुझे बताइए किचन का। तुम क्यों तकलीफ कर रही हो? तकलीफ की कोई बात ही नहीं है, खाने बनाने जितना टाइम नहीं लगेगा, बस चाय बनाने जितना टाइम लगेगा, और सामान मैं खुद ढूंढूंगी। आप बस मुझे बताइए कि किचन का। एक काम कर, इसे सीधे जाके लेफ्ट में चले जाना। ठीक है। और हाँ, ढूंढ लेगी कि मैं साथ। नहीं नहीं, आप बिल्कुल भी तकलीफ मत लीजिए, आप आराम कीजिए, मैं फटाफट आती हूँ। ठीक है। अच्छा सुनना, यही मेरा कमरा है, मैं कमरे में जा रही हूँ, दवाई ले लेती हूँ, तो काढ़ा वही ले आ। हाँ मैं बस अभी लेकर आती हूँ।
वाला हूँ। मिल गया मौका तेरे भाई को होली में होली खेलने का। उनसे बात करना ही कौन चाहता है? मुझसे जवाब लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा मैं। यू हैव टू टेल मी, अभी बाहर थोड़ी देर पहले होली खेल रही थी तू मेरे साथ और एकदम से यहाँ पे आके व्हाई यू बिहेविंग लाइक दिस? बाहर क्या करती तुम? ऐसे धक्का दे देती, कहती कि बात नहीं करनी, मैं तमाशा करती, सबके सामने नहीं करना था ये सब। मैं नहीं करना था बाहर सबके सामने, यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे तुम अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकती हो। फ्रस्ट्रेशन नहीं है, जब भी सोचती हूँ ना तुम एक अच्छे इंसान हो, मुझसे प्यार करते हो, ये सब सोचती हूँ ना तो तुम ऐसी हरकत जरूर करते हो जो मेरा भरोसा गलत फहमी में बदल ही जाता है। अब क्या कर दिया प्राची? व्हाट डिड आई डू? क्या कर दिया? यू हैव द ऑडेसिटी टू आस्क दैट? सबके सामने मेरा ये हाथ पकड़ के क्या कहा था तुमने? प्राची मेरी पत्नी है, शी इज माय रियल वाइफ, प्राची से बहुत प्यार करता हूँ, कहा था ना? जिस जिसने मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठाया था ना रणबीर, तुमने उस इंसान को मुंह तोड़ जवाब दिया, मेरे साथ खड़े रहे, है ना? मुझे लगने लगा था कि पति होने का फर्ज निभा रहे हो, मुझसे बहुत प्यार करती हो, ये सब सोच रही थी मैं, पर इवेंचुअली मैं गलत थी। रात कितनी भी खूबसूरत हो ढली जाती है, सुबह हो ही जाती है। उस रात जो मेरा हाथ था, मैं मेरे साथ खड़ा था, सुबह उठते ही देखा तो वो नहीं था। जब मैंने आंख खोली तो मैंने देखा वो किसी और के साथ, किसी और के बेड पे, किसी और के साथ सो रहा है। कुछ मत बोलो तुम, कुछ मत बोलो, मैं समझते समझते थक गई हूँ, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे एक ही बात समझ में आ रही, पता है क्या? हमारे बीच जो प्यार था ना, अब खत्म। नहीं, ऐसा मत बोलो। मेरे बोलने न बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना चाहे बोल लो, जितना चाहे कह लो, तुम मुझसे प्यार करते हो पर तुम मुझसे प्यार नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूं। मुझसे प्यार करते ना तो मेरे साथ होते, रिया के साथ उसके बेडरूम में नहीं होते। इट्स ओवर। तुम्हें प्रिया ने कुछ बोला ना तुम्हें? ये भी उसी से जाके पूछ लो। मुझे लगा था मेरी लव स्टोरी स्टार्ट होगी, मेरी कहानी बनेगी, और फिर एंट्री हुई इनकी। मेरी कहानी किरदार सब साइड में रख दिया, बात चल रही है तेरी और लक्ष्मी भाभी की। भाई अगर तूने बात शुरू की है ना तो एंड कब करेगा? कब बनेगा हीरो तू? हीरो ना मैं अभी बन गया हूँ, पर बात क्या है ना, शक्ल देख, सारी लौंडियां शक्ल देख के भाग जाती है पहले ही। और अगर हीरो जैसी शक्ल होती ना, दिल वाले दुल्हनिया अभी तक ले गए होते उड़ा के बिठा के। नहीं, खुल्लम खुल्ला रोमांस तो कर नहीं सकते। तो मैं सोच रहा हूँ ना, चुपके से जाके लक्ष्मी के गालों को छू, रंग लगा दूं उसके गाल पे जाके। तो भाई लगाना, लाल पीला संतरी सारे कलर। कैसे लगाना? कैसे? वो देख, वो तेरा ऋषि पूरे टाइम चिपका रहता है उसके पल्लू में, वो ना हो तो कोई ना कोई और चिपका रहता है उसके साथ। अब रहा है मेरा माथा खनक, मुझे खुंदा सागर सीधा जाके हाथ पकड़ूंगा और मुंह पे जाके अपने दिल की बात बोल डालूंगा। तुम्हार की कसम मैं दिल से माफी मांगूंगा ना, वो माफ कर देगी। ऐसे क्या देख रहे? थोड़ी ऐसे माफी मांगूंगा जाके, पैरों में पड़ जाऊंगा, गिड़ गिड़ाऊंगा, रोऊंगा, एक्टिंग करूंगा मतलब। और जितना मैं उसे जानता हूँ ना, माफ कर देगी, सबको करती है, मुझे भी करी देगी। उसे तरस आ जाएगा मुझ पर और मुझे आ जाएगा प्यार, चिमड़ जाएंगे दोनों ही दूसरे के गले, शादी की डेट निकाल लेंगे बस, झट मंगनी पट गया। और शादी की तैयारी करोगे तुम दोनों से, तू आ जाइयो जेल में तो मिलने आया था, शादी पे आ जाइयो, ठीक है ना? रथ पे बैठूंगा, घोड़ी मत करियो। हनीमून में खुद बुक कराऊंगा, बाहर जाऊंगा फौरन। वाह बलविंदर भाई वाह, कहानी का एंड करने को कहा था, आपने तो कहानी का दूसरा पार्ट भी खत्म कर दिया। इसका मतलब है कि जो काम करने आए हैं वो कर ले, शादी वादी की बातें तो बाद में भी होती रहेगी। तू तो रह नहीं दे, होली तो खेली नहीं जा रही, सबने देख रहा शादी के। होली में जो खेल ली, तो लिहाज कर रहा मैं उसका। मन तो मेरा ऐसा है लक्ष्मी को उठा के ले जाऊं अपनी खोली में और होली खेलूं अकेले अकेले। आइडिया बुरा नहीं है, मेरी बंदी है ना तो अकेले होली तो खेल सकता हूँ मैं। भाई पर्सनल होनी लक्ष्मी भाभी के साथ होनी तो चाहिए। इंतजार किस बात की है? भाभी को उठा लो, खेलेंगे होली में होली। सही है। माय गॉड, भगवान ने ऐसे भर भर के कॉमन चीजें डाली ना आपकी लव स्टोरीज में। इतनी डिसअपॉइंटिंग लव स्टोरीज है ना आप दोनों की, कि अगर किसी ने सुन लिया ना तो प्यार से विश्वास उड़ जाएगा उसका। राजा अंदर राजा, तेरी कमी थी यहाँ पे आई ना, बाकी तो भगवान ने आपको सब कुछ दे ही दिया है ना। इतनी ट्रेजिक लव स्टोरीज है ना आप दोनों की, आप दोनों को अगर मैं कंपटीशन करा दूं ना दोनों की लव स्टोरीज का, तो पता ही चलेगा विनर है कौन।
ऐसे मत देखो एक दूसरे को, मैं आता हूँ। तो बता दो मेरा पॉइंट क्या है। ऋषि भाई आ गया। बोल बोल। रणबीर भाई, अभी अभी आपने बताया कि आप प्यार प्राची से करते हो, पर शादी इन्होंने उसकी बहन से शादी कर ली, इसलिए प्राची आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही। पर शादी के बाद भी यू स्टिल लव प्राची, स्टिल मिस हर, है ना? करेक्ट। और ये हमारे हीरो मेरे बड़े भैया मिस्टर ऋषि ओबेरॉय, जय हो। प्यार लक्ष्मी भाभी से करते हैं, पर शादी मलिष्का से करना चाहते हैं। क्या करता हूँ मलिष्का से, अलग मलिष्का। यार यार रणबीर के सामने तो झूठ मत बोलो यार, इन्होंने तो पकड़ लिया था आपको, और आपने समझाया भी था ना इन्हें, समझाया था ना कि when you love somebody, do not get married to somebody else. अच्छा एक बात बताओ, इनको देख के लगता है मनीष का प्यार करते हैं? देखा आपने ऐसा कुछ एक्सप्रेशन के मुंह पे कभी भी? नहीं, तुम दोनों को जो समझना समझो, मुझे नहीं पता, बट मैं उसी इंसान से शादी कर रहा हूँ जिससे प्यार करता। देखा देखा हमेशा ऐसी भाग जाते जब भी मैं इनसे ये बात करता हूँ। चुप कर यार ऋषि, आई नो प्यार बहुत ही अजीब सी चीज है, हमें खुद समझ में नहीं आती, लेकिन अगर हमें कोई सामने वाला समझाए ना तो हम समझना ही नहीं चाहते उसकी बात, है ना? तो एक्चुअली हुआ क्या था, मेरी लाइफ में कुछ ऐसे 2 साल थे जिसमें मैं कुछ नहीं करता था, आई वाज गुड फॉर नथिंग। ना मेरे पास पैसे थे, ना मेरे पास बैंक अकाउंट था, ना मेरे पास बैलेंस था, और मुझे कोई जानता भी नहीं था, नो वन न्यू। मुझे पता कौन लोग जानते थे, मेरे पड़ोसी, और वो भी ये कहते थे कि अरे कैसा निठल्ला आदमी है, कहीं जाता नहीं है, काम नहीं करता है, पैसे नहीं कमाता, कुछ नहीं करता है, दैट्स इट। इनफैक्ट मेरी पड़ोसन ने ना एक बार आके सुना दिया था कि अरे तुम तो अपनी बीवी के पैसों पे जीते हो, तुम्हें क्या होगा, ये वो ऐसे बोल दिया था मेरे को। बुरा लगता होगा ना? वो 2 साल ना मेरी जिंदगी की सबसे हसीन साल थे, पता क्यों? क्योंकि उन 2 साल में मेरे साथ मेरी प्यारी प्राची थी। यस, हमारे पास पैसे थोड़े कम थे, पर हमारा जो घर था ना वो पूरा खुशियों से भरा रहता था हमेशा 24/7। आई वाज सो हैप्पी, आई वाज सो हैप्पी, आई कांट टेल यू। लेकिन फिर पता नहीं क्या हो गया यार, फिर जब दो लोगों के बीच में हमारे घर के अंदर कोई तीसरा इंसान इंटरफेयर करता है ना, वो सब खराब हो जाता है। हमारा भी ऐसे थोड़ा खराब हो गया, हमारा जो रिश्ता है वो थोड़ा डगमगाने लगा। और आज की डेट में कुछ ऐसा है कि ये जो बिजनेस टाइकून तुम्हारे सामने खड़ा है, इसकी खबरें तो सब लोग लेना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानना चाहता कि मेरे दिल में क्या हो रहा है। आज मेरे पास बहुत कुछ है यार, बट मेरी खुशियां मुझसे बहुत रूठी हुई है। कहने को बहुत अमीर हो गया हूं, लेकिन दिल का ना बहुत ज्यादा गरीब हो। सब कुछ है लेकिन एक चीज नहीं है, वो उसकी हंसी। इसमें सब कुछ कुर्बान था। हंसी तो बहुत दूर की बात है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट तक नहीं आती। और मुझे पता है सब मेरी वजह से हुआ है, आई एम द रीजन व्हाई है शी इज लाइक दिस, एंड आई फील वेरी बैड, आई फील लाइक आई एम हर्टिंग हर। और मेरी जिंदगी ना तब से, भगवान किसी को ऐसी जिंदगी ना दे जिस इंसान से तुम प्यार करते हो तुम्हारे सामने है और तुम पे हक किसी और का है। इसीलिए मेरे भाई ऋषि ओबेरॉय, मैं बार बार तुम्हें बोल रहा हूँ, प्लीज मलिष्का से शादी मत करो यार, क्योंकि तुमने अगर मलिष्का से शादी कर ली ना तुम पागल हो जाओगे। तुम्हारा जो दिल है ना वो हमेशा लक्ष्मी को याद करता रहेगा, और तुम अपने आप को बार बार बोलोगे कि मुझे प्यार है मलिष्का से, पर नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम गो मैड, इतना खराब लगेगा, बहुत गंदी फीलिंग होती है यार। मेरे साथ हुआ है, मुझे पता है। जिंदगी ना सामने वाले इंसान को मौका देती है फिर से जिंदगी जीने की, लेकिन प्यार करने का मौका बार बार नहीं मिलता, एक बार मिलता है सिर्फ। पर अभी तुम्हारे पास वो मौका है, तो इसको अपने हाथ से जाने मत दो। Don't do the same mistake that I did. इन सारी बातों में सबसे ज्यादा खूबसूरत प्यार था, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द भी प्यार में ही होता है। Very true. क्योंकि प्यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यार, बहुत ज्यादा। मतलब प्यार करना आसान है लेकिन निभाना और भी मुश्किल, मतलब प्यार बताना आसान है लेकिन जताना मुश्किल है, दिल में बिठाना आसान है लेकिन पाना मुश्किल है। अजीब है यार प्यार, समझ में नहीं आता। बट तुम्हें लक्ष्मी से प्यार है, एंड ट्रस्ट मी, तुम जब लक्ष्मी के साथ रहोगे ना ऋषि, तुम्हें इतना अच्छा लगेगा ना, दैट फीलिंग इज द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड, बेस्ट। मैं वो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। और ये जो मेरे टाइप वाला प्यार है ना, पागलों वाला, ये एक बार ही होता है, बार बार नहीं होता, और तुम्हें मौका मिला है वो करने का। फिर भाई तुम मजनू नहीं, हम चले जाएंगे यहाँ से, अभी चले जाते हैं, पुलिस को मत बुलाओ। तुम कुछ नहीं बोल रहे, दैट मींस यू आर द बॉस, और ये दोनों आदमी तुम्हारे लिए काम करते हैं। ओके, क्या नाम है तुम्हारा? बलविंदर, उसका नाम गुड्डू, ये बबलू, तू बता ले। गुड्डू बबलू, तुम्हें सीरियसली लगता है ये दोनों डरपोक तुम्हें लक्ष्मी को उठाने में तुम्हारी मदद करेंगे? यू नो व्हाट, उली तक ये तुम्हारा पूरा साथ देंगे, लेकिन मुसीबत देखते ही ऐसे छूमंतर हो जाएंगे तो तुम अकेले लक्ष्मी को किडनैप कर लोगे। प्लान छोड़ने की बात किया इनने, मैदान छोड़ने की नहीं, घबराहट में बोल दिया भागने को। दोस्त है मेरे, चिकरी
जिगरी दोस्त, चलो मान लेते हैं कि ये दोनों तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन फिर भी तुम लक्ष्मी को किडनैप नहीं कर पाओगे। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तुम मेरे काम में मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा काम होने नहीं दूंगी। लेकिन इफ यू डिसाइड टू हेल्प मी तो मैं लक्ष्मी को किडनैप करने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। मैं इस लाइन में लड़कियां भी आ गई यार, पता ही नहीं चल। शट अप, हेल्प करने की बात कर रही थी। तो मेरी मदद करो, मैं तुम्हारा काम करूंगी। ऐसी कौन सी मदद है तुम्हें जो चाहिए हमसे? तुम्हें बस प्राची को रंग लगाना है। मतलब होली खेलनी है? ये काम है? ये क्या काम हुआ? ओह शट अप, पूरी बात तो सुन लो। सुन रहे, बोलो। प्राची के फेस पर कलर लगाना है, लेकिन किसी को नहीं दिखना चाहिए कि तुमने उसके फेस पर कलर लगाया है। गॉट इट? पर इतना सिंपल काम तो तुम खुद भी कर सकती हो, हमारी क्या जरूरत है? क्योंकि अगर तुम उसके पास जाओगे तो किसी को शक ही नहीं होगा, किसी का ध्यान ही नहीं भटकेगा, लेकिन अगर मैं गई तो सबका ध्यान मेरे ऊपर आ जाएगा। गॉट इट? तो उसे रंग लगाओ और भाग के अंदर आ जाओ। ऐसे किसी के भी लगा ले। है कौन प्राची? लक्ष्मी के साथ मैदान लो। ये वही है। तो बताओ तुम मेरा काम करोगे या नहीं? अगर तुम मेरा काम करोगे, लाइक आई सेड, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी, लेकिन अगर नहीं करोगे तो इसी फोन से पुलिस को अभी फोन लगाऊंगी। ठंडे हो जाओ, कर देंगे काम। पर ये रंग लगाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। पर एक सच बात बताऊं, हम ये तुच्छे मुच्छे काम नहीं करते, हम करते किडनैपिंग, मर्डर। ये भी कोई बदला हुआ कि मतलब उसने मेरी साड़ी गंदी करी, मैं भी उसकी साड़ी गंदी करूं? किताब का नाम पढ़कर उसकी कहानी का पता नहीं लगाना चाहिए। Yes, mom. ये तुम्हारी आवाज ऐसे क्यों आ रही है? तुम रो रही हो क्या? अमृषि ने मुझसे बहुत झगड़ा किया, मुझे बहुत कुछ सुनाया और ये भी बोल दिया कि मैं हमारा रिश्ता खराब कर रही हूँ। उससे कोई झगड़ा नहीं किया, मुझे सिर्फ गुस्सा आ रहा था। गुस्सा क्यों आ रहा था तुम्हें? ऋषि की वजह से। आपको पता उसने क्या किया? उसने सबसे पहले रंग लक्ष्मी को लगाया, उसके साथ होली के लिए। आप बताओ मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? हम उसे फेयर वैसे कैसे कर सकता है वो मेरे साथ? हमारी शादी होने वाली है और होली क्या? आगे आने वाले सारे फेस्टिवल उसे सबसे पहले मेरे साथ मनाने होंगे। मैं गलत बोल रही हूँ क्या? आप बताओ। अभी तो शादी नहीं हुई है, शादी से पहले ऐसे कर रहा है। शादी हो जाएगी तो उसके बाद क्या? डोंट बी एंग्री बेटा, गुस्से में सब गलत होता है। आप सोच समझ नहीं पाते हो, कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हो और सिचुएशन और भी खराब हो जाती है। बेटा ऋषि ने तो सिर्फ होली खेली, लक्ष्मी माइंड गेम खेल रही है। और तुम इसी तरह गुस्सा रहोगी ना तो उसका काम आसान हो जाएगा। यहाँ तो तुम्हें लक्ष्मी से सीखना चाहिए कि कैसे शांत रहकर अपना काम पूरा किया जाता है। क्या काम? तुम बताओ मुझे, आज तक तुमने कभी लक्ष्मी को ऋषि से लड़ते हुए देखा है? देखा है कभी? सिर्फ दो बार लड़ी है आज तक वो उसके साथ। पहली बार जब उसे पता चला था कि तुम्हारा और ऋषि का अफेयर, तब उसे ऋषि के साथ अपना रिश्ता तोड़ने की बात कही। और दूसरी बार जब वो उसके घर गई थी डिवोर्स के पेपर्स लेकर, तब उसने गुस्सा किया था और गलत डिसीजन लिया था जिसका पछतावा उसे आज तक हो रहा है। इसलिए अब वो जब भी ऋषि से मिलती है प्यार से मिलती है, पिछली कोई बात नहीं निकालती है। बेटा आदमी का दिल कितना भी बड़ा हो, उसकी ईगो के आगे छोटा ही रह जाता है। इसलिए अगर उस आदमी का दिल जीतना है ना, नेवर हर्ट अ मेल्स ईगो। और तुम लक्ष्मी का काम आसान कर रही हो। लक्ष्मी प्यार से ऋषि को ये विश्वास दिला रही है कि तुम उसके लिए ठीक नहीं हो, तुम उसे प्यार और खुशी नहीं दे पाओगी। बट मॉम, मैं ऋषि से प्यार करती हूँ ना, आपको पता मैं कितना प्यार करती हूँ ऋषि से। पर अभी तो झगड़ रही हो ना। लक्ष्मी प्यार कर रही है उससे, इसलिए तो ऋषि होली उसके साथ खेल रहा है, तुम्हारे साथ नहीं। बेटा लिसन टू मी वेरी केयरफुली, तुम अभी ऋषि के पास जाओ और उसके साथ पैचअप करो, वरना लक्ष्मी कब तुम्हारी जगह ले लेगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मेरी जगह? बेटा ये काम करना बहुत आसान होता है, वो भी आज के दिन। लड़कियां लड़कों को भांग पिलाती हैं और उन्हें अपना बना लेती, फिर लड़के उनसे मजबूरी में आके शादी कर लेते हैं। सो राइट नाउ यू ट्राई एंड गो एंड बी क्लोज टू ऋषि। ये लड़ाई झगड़ा घर जाके कर लेना, अभी सिर्फ प्यार से बात करो, समझी तुम? हैंडल हिम विद लव एंड केयर। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी अभी मेरा ऋषि को ढूंढना बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑल द बेस्ट बेटा, बाय। थैंक यू। प्राची क्या हुआ है? तुम
तुम ठीक हो ना? कुछ नहीं, बस थोड़ा चक्कर आ गए। मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। ठीक कैसे हो जाओगी? अभी गिर जाती मैं नहीं पकड़ती तो ऐसे चक्कर। तुम चलो रूम में चलो। मैं एक मिनट। आयुष लक्ष्मी सुनो, मैं क्या, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं माँ बनने वाली हूँ और प्रेगनेंसी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ये जो होली के रंग है ना, उनसे प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए बाहर होली नहीं खेल सकती। इसलिए तो शाहना गई थी बाजार ऑर्गेनिक कलर्स लाने। बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। सुनो, वो शाहना के अलावा ना किसी को इस बारे में पता नहीं है। तुम पहले इंसान हो जिसके साथ ये शेयर कर रही हूँ, तो किसी को बताना मत। मेरी कुछ मजबूरी, आई प्रॉमिस मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तुम्हें पता है, तुम्हारे साथ ये न्यूज शेयर करके ना बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं क्यों, कुछ सोचा नहीं, जस्ट बता दिया। मुझे लगा तुम्हें बता दूं तो बता दे। कुछ रिश्ते ना ऐसे ही होते जो दिल से जुड़े होते हैं। उन्हें भले ही हम कोई नाम ना दें पर वो बहुत स्पेशल होते हैं। यू नो, मुझे कुछ ऐसे कुछ मजेदार कुछ खट्टा पीने का मन कर रहा है। मैंने क्या पीऊं? तो मैं बनाकर लाती हूँ ना तुम्हारे लिए। नहीं बता दो, तुम सजेस्ट करो। नहीं, मैं ही बनाऊंगी। देखो जब खुशखबरी मिलती है तो लोग मुंह मीठा करते हैं, मैं तुम्हारा मुंह खट्टा करूंगी। ठीक है, तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या। नहीं, एक मिनट, मैं खुद ही बनाकर लाती हूँ तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खट्टा। हाँ मैं श्योर। तुम जाओ दीदा के पास बैठो, मैं बस अभी कहीं पर अभी आती। ठीक है, अभी ठीक हो ना? ठीक हूँ, डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। तुम खुद नहीं जानती तुम क्या चाहते हो रणवीर। जो खुद को लेके इतना कंफ्यूज हो उसके आसपास नहीं रहना चाहिए, है ना? सो प्लीज गो। चाची तुम मेरे... मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो। और मुझे ही नहीं, मैं तो कहती हूँ अपने आप को अकेला छोड़ दो। कहीं दूर जाओ, सबसे दूर, और अपने आप के साथ कुछ वक्त बिताओ। फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कौन चाहिए कौन नहीं चाहिए। और मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें मैं नहीं, रिया चाहिए। तुम ये सोचती हो मेरे बारे में? सोचती नहीं, ये देखती हूँ तुम्हारे बारे में। चाची तुम कैसी बात? मेरे पास मत आना प्लीज, मुझे गुस्सा आता है जब तुम आस पास आते हो। और मुझे गुस्सा नहीं करना, मेरे लिए ठीक नहीं है अभी स्ट्रेस और गुस्सा, इसलिए प्लीज गो फॉर गॉड्स सेक। ऐसे मत बोलो, मुझे नहीं अच्छा लग रहा तुम मुझे ऐसे बोल रही हो। तुम्हें अच्छा नहीं लगता? मतलब हाउ सेल्फिश ऑफ यू रणवीर। मैं ऐसे नहीं बोलूं क्योंकि तुम्हें अच्छा नहीं लगता। कभी तो दूसरे के बारे में सोचो, कभी तो मेरे बारे में सोचो। मुझे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है? मैंने तुमसे कहा था प्रिया से बात करना, उसके साथ उठना बैठना हंसना मुझे पसंद नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं हॉट होती हूँ लेकिन नहीं। उठना बैठना तो क्या, तुम तो उसके साथ सोते हो। आंसू ये मेरे अब बरसने। तुम याद रखना, हमारे रिश्ते में बहुत सी चीजों के लिए ना सिर्फ और सिर्फ तुम जिम्मेदार। हाथों में तेरे मैं लिखा क्यों नहीं, साथ हूँ तेरे पर तू साथ नहीं। मैं कमली बन चलिया। गलत बोल गए तुम। गगन बन चलिया। मैं ही इस रिश्ते में जिम्मेदार हूँ। क्यों आए मुझे तेरी गलियां, मैं कमली बन चलिया, मैं जोगन बन चलिया। दिल क्यों दुखाए मेरा तेरी गलियां। हमारे रिश्ते में बहुत सी चीजों के लिए ना सिर्फ और सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। गलत बोल गए तुम, मैं तो इस रिश्ते के लिए ही जिम्मेदार। चलो कौन है थोड़ी पकड़ लेगा कि नहीं नहीं क्यों का कुछ गलत था मैंने। क्या हो गया? मैं सुनो नहीं क्या हुआ? यही प्रॉब्लम होती है तुम लड़कों की, पहले तो सुनोगे नहीं, जब सुन लोगे तो तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। अरे यार तुम इतना क्यों बोलने जा रही हो? ऐसा क्या कर दिया मैंने यार? हाँ तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तुम लड़के जो तुम कहाँ कुछ करोगे। अरे यार तुम तो मेरे को छोड़ ही नहीं रही हो, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हर जगह से पकड़े जा रही हो यार। तुम्हें कोई बीमारी है क्या लड़कों को हेट करने की? देखो मेरा मूड बहुत खराब है, और खराब मत करो। अरे ये कमाल आपने आवाज़ बात करने, बोल रहे हो खराब मत करो, ये क्या बात हो गया? तुम्हें हाँ एक भी, तुम्हें कई सारी बीमारी, तुम जाके चेक कराओ, जब आ जाओ। आई थिंक आई केयर अबाउट कैंस एंड परफ्यूम्स टुडे। मैं किसी घर होली पार्टी पे आई हूं, आई विल स्पीक टू यू लेटर। हेलो, ये क्या बदतमीजी है? एक्सक्यूज मी, I'm so sorry, मैं तुम्हें देखा नहीं। वैसे भी तुम देखने लायक चीज तो हो भी नहीं। क्या बोलो तुमने?
हाँ तो तमीज से बात करोगी ना तो इज्जत मुफ्त में मिलेगी। और मुझे लगता है तुमने तमीज को भी ना सलवार कमीज समझ लिया है। फैशन में नहीं है तो पहना क्यों है ना। पर तुम जैसी बदतमीज लड़कियों को ना अच्छे से सुधारना आता है मुझे। स्वीटहार्ट मैं बदतमीज नहीं हूँ, बस लोगों को उनके औकात के हिसाब से रखती। अनुष्का कैसे बात कर रहे हैं? ये कैसे बात कर रही है? तो क्या हो गया? शुरुआत तो तुमने की थी ना, देखा मैंने कैसे धक्का मारा के साथ किया तुमने उसको। राम से तुम मुंह निकले कि तुम बोल सकते थे ना। हां यू शेयर वाज इन अ कॉल एंड शी वाज डिस्टर्बिंग मी एंड आई डोंट रियली केयर कि तुमने क्या देखा क्या नहीं देखा, लेकिन सारी गलती इस लड़की की है। ये तो कोई बात कुछ नहीं ना, अपनी कमियां छुपाने के लिए सामने वाले ने गलतियां निकालने लग जाते हैं और तुम्हारा भी हाल वही है। पर तुमने जो मेरे साथ किया सो किया, पर लक्ष्मी से ना उससे तमीज से रहना। अच्छा तो तुमने पूरी सोसाइटी का ठेका ले लिया है राइट, कि मुझे सुधारना है लक्ष्मी को बचाना है। लिसन स्वीटहार्ट, इतना शौक है तुम्हें सोशल वर्किंग का तो जाओ जाके धरने पे बैठो, यहाँ बात करके मेरा टाइम वेस्ट मत करो। दिस इज वेरी बैड मनीषा, मेहमान है यहाँ पर रणवीर के घर पे, इसके घर पर नहीं, शी इज नॉट अ फैमिली। मनीषा तुम ऐसे क्यों हो यार, क्या बात चल रही है, बातों कहाँ की कहाँ लेके जाती है, ऐसे क्यों करती हो यार? हाँ मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसी ही रहूंगी ठीक है, जब जब लक्ष्मी मेरे आसपास भी रहेगी मैं ऐसी रहूंगी। तो मेरी अच्छी साइड देखनी है ना तो लक्ष्मी को मेरी नजरों से दूर रखना, मैं बहुत अच्छी बन जाऊंगी। यू गेट इट? गेट इट? ऐसी सी आ रही है, कैसे झेल रहे तुम इसे? क्या ही बताऊं यार, अब तो आदत सी है मुझको। मैं ना लड़का हूँ, मेरी प्रॉब्लम ये है, अगर मैं लड़की होता ना मैं उसको एक दिन में सीधा कर देता। एनीवे आइडिया क्या, तुम उसे सुधारना चाहते हो ना, मेरे पास एक तरीका है बिना उंगली टेढ़ी किए ना उसे सीधा करने का। क्या करने वाली हो तुम? वही जो मलिष्का करती है, परेशान। मलिष्का को परेशान? प्राची पर अटैक होने ही वाला है, इसमें रेडी क्या होना बूजी, लाइव मैच की तरह सब देखना है। पर तुम्हें नहीं लगता कि हमें एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए? प्राची को हॉस्पिटल जाने के लिए जरूरत पड़ेगी। बुलाएंगे जरूर, लेकिन बाद में सबको दिखा के, ताकि सबको लगे कि मुझे मेरी प्यारी बहन की कितनी फिक्र है। ये तो वही आदमी है, ये भाग के कहाँ जा रहे? पता नहीं अब क्या करूं, धक्का भी नहीं दे सकती मैं। अभी पकड़े जाते अच्छा फूल। सुनो, तुम्हारा जो काम करना था मैंने कर दिया, अब मैं वो करूंगा जो मैं काम करने आया हूँ। लक्ष्मी को लेने, अभी लक्ष्मी को लेने जा रहा हूँ, लेके जाऊंगा अभी के अभी। क्या काम किया तुमने? हाँ नहीं किया क्या है, ना ही प्राची के फेस पे कलर लगाया है और ना ही उसे कोई नुकसान पहुँचाया है, उल्टा हमारे प्लान को सबके सामने रिवील कर दिया है तुमने। लक्ष्मी को पता है कि ये कोई ऑर्डिनरी कलर नहीं है, एक डेंजरस कलर है। इसे जब तुम पहले दिन लेकर आई थी ना, मैं समझ गई थी कि ओवर स्मार्टनेस की दुकान है ये। लक्ष्मी ने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा है, लेकिन तुम्हारा ये कपड़े कद काठी जान गई है, और वो ये भी जानती है कि तुम यहाँ प्राची को नुकसान पहुंचाने आए हो। छोड़ेगी नहीं वो तुम्हें, पहले वो रणबीर और अब ये लक्ष्मी, उसी के वजह से प्राची को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, नहीं तो अभी तक तो उसका चेहरा जलकर राख हो गया होता। मुझे मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना इस वक्त, मन कर रहा है कि मैं अभी इसी वक्त मार्केट जाऊं और वो कलर लेके और लक्ष्मी के मुंह पर फेंक दूं। हेलो हेलो हेलो, उन नफरत की देवियों, अपने हौसले को ना इतना बुलंद मत करो कि मेरी मर्दानगी पे बात आ जाए। तुम्हारा बदला प्राची तक है, प्राची तक रखो, लक्ष्मी के बारे में सोच भी मत लेना, तो मेरा रूप बदल जाएगा, और अगर मेरा रूप बदल गया ना तो फिर क्या पुलिस और क्या आर्मी, फर्क नहीं पड़ता मुझे।
प्यार है मेरा, वो क्या कहते हैं वो लव लाइफ, मेरी होने वाली वाइफ। प्यार लव लाइफ, तुम्हारी इसी लव लाइफ ने मेरी लाइफ स्पॉइल करके रख दी है, पूरा प्लान बिगाड़ दिया उसने। अरे तुम्हारा प्लान तो पहले ही पूछता जब तुमने बनाया था। ये कौन सा प्लान है, क्या सोच के तुमने प्लान बनाया था? इतनी भीड़ में जाके तुम वो प्राची का मुंह जला दोगी? प्लान बनाना था तो ऐसा बनाना चाहिए था, उसे रंग ऐसी जगह पे लगाना चाहिए था जहाँ पे उसकी मदद करने वाला कोई ना होता। मुझे मुझे कैन वी डू दिस, क्या हम और कलर लेके आ सकते हैं मार्केट से? तुम भी ना इस बेवकूफ की तरह बात करने लग गई हो, कोई मामूली गुलाल नहीं है वो, जो खत्म हो गया है तो मार्केट से जाके ले आओ, टाइम लगता है उसे बनाने में। राइट नाउ इट्स नॉट पॉसिबल। एंड प्रिया प्लीज, इस बेवकूफ की तरह बात करना बंद करो तुम। नकारात्मक सोच वाली औरत जब भी मुकलती है, नो नेवर यही करती है, कभी अच्छा भी सोच लिया कर। इस चीज को शिद्दत से चाहो ना तो वो मिलती है, जैसे मुझे आज लक्ष्मी मिलेगी। अच्छा लक्ष्मी तुम्हारे साथ है? नेगेटिव नहीं, रियलिस्टिक सोच रखती हूँ मैं, लेकिन तुम्हारे जैसे बेवकूफ को कहाँ समझ में आएगी ये बात। इसलिए तो लक्ष्मी ना तुम्हारे साथ है ना तुम्हारे जेब में। मर्द औरतों की इज्जत करता हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी बेइज्जती करवा लूंगा। औरत है इसलिए लिहाज कर रहा हूँ, तेरे घर में मेहमान हूँ इसलिए माफ कर रहा हूँ, वरना जानती नहीं है तू मुझे। चले यार बलविंदर, गुस्सा मत कर, छोड़ ही दे, चल निकलते। बचा लिया इसने तुझे आज, तो तूने मेरा रूप देखा नहीं है अभी तक। राजीव, इंसान ना अपने घर में ही सबसे ज्यादा चोट खाता है, और तू ना अपना अंधविश्वास अपने पास ही रख, सेफ्टी के लिए ना शक बहुत जरूरी। सही कह रही है प्राची, बात अगर इतनी नॉर्मल होती तो कोई अटैक ही क्यों करवाता, और तुम इस भरोसे पे मत रहो कि दोबारा अटैक नहीं। दोबारा आपने अपने घड़ी में टाइम देख लो, कुछ मिनटों की बात है, फिर इसकी सगी कम सौतेली बहन ना उसको गुस्से का दौरा आएगा, फिर वो कुछ करने की कोशिश करेगी, और उसने ना पहले भी बहुत कुछ किया है, तो आप दोबारा तो बोलिए ही ना। तूने देखा उसे कुछ करते हुए, क्यों बार बार उसका नाम लिया? लेकिन अगर शाना कुछ बोल रही है तो उसकी कोई वजह होगी ना प्राची? कोई वजह नहीं। रियली कोई वजह नहीं है? चुप करना शाना प्लीज। प्राची यही तो नहीं किया जाता मुझसे, ना मैं गलत देख सकती हूँ ना मैं गलत सुन सकती हूँ, अगर मैं किसी पे हाथ नहीं उठा सकती पर मैं गलत के खिलाफ अपनी आवाज़ तो उठा ही सकती हूँ ना, और इसे ना अपनी इस बहन के आगे अपनी उस सगी कम सौतेली बहन पे ना ज्यादा प्यार आता है। बार बार क्या सगी सौतेली कर रही है? वो सिर्फ नाम की सगी है पर अपने काम से ना सौतेली है, तभी तो वो तेरी इलीगल सौतन बन गई है। लक्ष्मी को सब पता है, हमने ही तो बताया ना बाहर। पता है जिया ने सिर्फ रणवीर से ही शादी नहीं की, जब से प्राची इस घर में आई है ना जिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी प्राची को नीचा दिखाने की, उसने चोरी से प्लानिंग से उस पर झूठ बोलकर हर कुछ किया उसने प्राची के साथ, तो प्राची उसे अभी भी अपनी बहन ही मानती है। पर रिया उसकी बेशर्मी देखो, प्राची को आके बता रही है कि वो रणवीर के साथ हनीमून प्लान कर रही है। डायरेक्टली नहीं बताया पर अगर आप कान में नहीं कह रहे हो पर आप दुनिया को बता रहे हो, इसका मतलब आप ढिंडोरा पीट रहे हो। क्यों? क्योंकि प्राची को हर्ट करना चाहती है, प्राची को तकलीफ हो, प्राची माने या ना माने पर ये सब रिया का ही करा घर है। पता है प्राची को लगता है इस घर में सारे लोग उसके अपने, जबकि रिया भी इस घर में ही रहती है। मुझे आज तक लगता था कि सिर्फ मेरे साथ जिंदगी में बहुत बड़ा धोखा हो, किसी ने सही कहा अपनों की दी हुई चोट ना सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। तुम्हें पता है दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्तों में से होता है दो बहनों का रिश्ता, और मैं ना बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे शालू भानी जैसी बहनें मिली। बहुत प्यारी हैं दोनों, मिलवाऊंगी तुम दोनों से कभी। हम तीनों ही हैं एक दूसरे के लिए, इतना प्यार है हम तीनों के बीच में कि एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। किसी का बुरा करना तो दूर, किसी की उदासी भी नहीं देख पाते, एक दूसरे की खुशी में ही खुश रहते। हमने ना बहुत कम उम्र में अपने माँ बाबू जी को खो दिया, तो अब हम बहने एक दूसरे के भाई हैं, और जरूरत पड़ने पर था एक दिन तेरे।
सॉरी मैं कहाँ जा रहा था? रणवीर का रूम ढूंढ रहा था. आई वांटेड टू यूज द वॉशरूम. यहाँ से लेफ्ट. ओके थैंक यू. आप ना बेचारे ऋषि की जिंदगी खराब कर रहे हो. आप क्यों उस मलिष्का को पीछे छोड़ देते हो उसके साथ? पता है प्राची, तूने तो देखा ही होगा, वो जिसको मिलती सबको पता है क्या बोलती है? हाय आई एम मलिष्का, मेरी और ऋषि की शादी होने वाली. अरे ऐसे बोलती है जैसे पता नहीं कितनी जल्दी उसे शादी करनी है. उसका बस चले ना तो आज के आज ही शादी कर ले. अरे भाई कोई ऋषि से तो पूछ लो कि वो क्या चाहता है. उसकी आंखों में साफ दिखता है कि क्या तुम्हारे लिए प्यार. और उसकी आंखों में जो प्यार है ना तुम्हारे लिए, वो इन आंखों में आंसू नहीं देख पाया, इसीलिए आके पूछती हूँ. फिर रियलाइज किया हम यहाँ है तो ऑकवर्ड होके चला गया. आंखों में चाहे कुछ भी दिखे पर जुबान पे नाम तो हमेशा मलिष्का का ही रहता. मुझसे खुद कितनी बार कहा ऋषि ने कि वो मलिष्का से प्यार करते. और जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ फिक्र है मेरे लिए और कुछ नहीं. छोड़ो शाना, तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें सारी पावर दे दी जाए एक दिन के लिए और लॉ एंड ऑर्डर को बंद कर दिया जाए तो तुम रिया के साथ क्या करोगी? मैं क्या करूंगी? मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती. इसकी बहन जो है, अगर मैं कुछ करना भी चाहूँ ना तो उसकी शक्ल सामने आ जाती है, इसका ख्याल आ जाता है. अगर मैंने सब कुछ भी गलत किया ना इससे बुरा लगेगा. मुझे ना कभी कभी इतनी जलन होती है कि ये ना मुझसे ज्यादा प्यार उस रिया को करती है. अगर मेरा बस चले और आलिया भूजी के साथ कुछ करने का, उनके साथ मैं जरूर कुछ ना कुछ करना चाहूंगी. अरे वो इतनी बुरी है ना रिया, अगर वो सुधरना भी चाहे ना तो भी नहीं सुधर सकती. वो हमेशा कुछ ना कुछ उसको पट्टी बढ़ा देती है. बस आप वो हमेशा एक एंटी प्राची का इंजेक्शन लगा देंगी. मैं चाहती हूँ कि उन आलिया भूजी को ना एक दिन बेहोश करके उनके इंजेक्शन लगा दूंगी. बलविंदर एक टाइम पे एक ही चीज देता है, या तो इज्जत या धमकी. इज्जत देने की तुझे कोशिश कर ली, तुझे रास नहीं आई तो धमकी दे रहा हूँ. धमकी को ना गिद्दड़ बक्की मत समझ लियो, क्योंकि जरूरी नहीं हर टाइम मेरा मूड अच्छा हो. और आज मेरा मूड इसलिए अच्छा है क्योंकि आज मैं लक्ष्मी से मिला और अभी जा रहा हूँ लक्ष्मी को लेने. तो इसीलिए अगर पीछे से तुमने कुछ फेंका या टोका तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि शुभ काम करने जाते हुए अगर कोई टोक दे तो काम हो जाता है खराब. और अगर मेरा काम खराब हो गया ना तो तुझे खत्म करके जाऊंगा यहाँ से. और बलविंदर के काम में रुकावट डालने का मतलब ना अपनी मौत को दावत देना है. दो तीन मर्डर केस तो चल रहे हैं हमारे ऊपर, एक आध और हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें. समझ आ गई? आप सुन, घर है बहुत बड़ा, कहाँ पे कौन सा कमरा है, कहाँ पे हॉल है, कहाँ पे किचन है, कहाँ पे छत है, मुझे तो पता नहीं. और मैं तो जाऊँ अखो, तो इसीलिए मुझे लक्ष्मी को ढूंढना है जल्दी से जल्दी. तो जल्दी बताओ तुम दोनों में से कौन मेरी मदद करेगा लक्ष्मी को ढूंढने में. चलो बताओ. आवाज नहीं आ रही और खामोशी का मतलब तो ना होता है बबलू. आखिरी बार पूछ रहा हूँ, लक्ष्मी को ढूंढने में मेरी मदद करोगे कि नहीं? होली रंगों का त्योहार, खुशियों का त्योहार, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज के दिन भी दुखी हैं, जैसे कि उनकी जिंदगी में ही कोई खुशी नहीं, जैसे कि कोई है ही नहीं जिसे वो अपना कह सके, कोई है ही नहीं जो उनका साथ दे सके. लेकिन हम सब तो आपकी संतान है और आप तो हमारे साथ हमेशा रहते, तो आप रहिए खास करके प्राची के साथ. वो बहुत अच्छी लड़की, सबके लिए बहुत अच्छा सोचती है, तब भी उसके साथ इतना गलत हुआ. लक्ष्मी कहाँ चली गई? इसी तरफ तो आई थी शायद. मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा. लक्ष्मी पहली बार मिली है मुझसे और पहली मुलाकात में मैंने अपनी सारी दुख बता दी उसे. सुन के उसका भी मन भारी हो गया होगा. गलती कर दी मैंने बेचारी लक्ष्मी. उसके अपनों ने उसकी खुशियां छीन ली, लेकिन आप उसे बिना मांगे सब कुछ दे दीजिए. तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे रुला कर यहाँ फोन पर बात कर रहे हो, हंस रहे हो? मैंने तुम्हें कब रुलाया? You tell me. देखो रिया, अभी मैं ये पहेली बुझाने के मूड में नहीं हूँ, अभी मेरा मूड बहुत खराब है. हाँ हाँ तुम्हारे मूड का तो पता चल रहा है मुझे, अच्छे से पता चल रहा है. ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? अरे इतने प्यार से आई थी तुम्हारे पास रंग लगाने, होली खेलने, लेकिन तुम वहाँ प्राची के साथ. शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर मैंने प्राची के साथ होली खेल भी ली तो इसमें मैं बेशरम हो गया? हाँ,
क्योंकि होली सिर्फ तुम्हें मेरे साथ खेलनी चाहिए थी। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैंने तुमसे शादी की है, तो अगर तुम किसी पराई औरत के साथ होली खेलोगे तो मैं तुम्हें बेशर्मी कहूंगी ना। रिया, मैंने तुमसे शादी करी है, तुम्हारी कोई गुलामी नहीं करी है मैंने। और कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था हमने जिसमें ये लिखा हुआ था कि हम रणबीर सिर्फ अपनी बीवी को ही रंग लगा सकता है और किसी को रंग नहीं लगा सकता? आज जितने लोग होली खेल रहे हैं सब एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, पर तुमने एक बार भी देखा किसी की बीवी बाहर खड़ी है और कह रही है कि तुमने रंग कैसे लगा दिया, गुस्सा करिए? नहीं ना। और होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें सब मिलजुल कर खेलते हैं। तुमने देखा, अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है ना मेरे किसी और को रंग लगाने से, अगर तुम्हें लग रहा है मैं बेशर्म हूँ, तो तुम ना तुम घर के अंदर बैठो, बाहर मत आओ। रणबीर, मैं कह रही हूँ कि सबसे पहले तुम्हें मुझे रंग लगाना चाहिए था, सबसे पहले मेरे साथ होली खेलनी चाहिए थी। नहीं, अभी बात नहीं कर सकते मैं इस बारे में, वी कांट। तुम अपनी हालत देखिए, तुम्हें अभी ना गुस्से का अटैक आ रहा है बहुत जोर से, तो अगर मैं तुम्हें अभी समझाने की भी कोशिश करूंगा ना रिया, तो तुम नहीं समझोगी। हम तब बात करेंगे जब तुम शांत हो जाओगी और शांति से मेरी बात सुनने की कोशिश करोगी, ओके? मेरा मन तो इतना है ना कि खुद में अपने हाथ से मार डालूं। लेकिन तुम सिर्फ अरेस्ट नहीं होगी, तुम्हें तो ऐसी सजा होगी ना कि कभी दोबारा किसी लड़की की तरफ आंख उठा के देखोगे भी नहीं। मैंने पुलिस को नहीं बुलाया, उठो और भागो यहाँ से। और तुम्हें क्या लगा, तो तुम बस के चले जाओगे यहाँ से? छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। मलिष्का, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसे तब छोड़ूंगा जब मैं यहाँ से खुद निकल जाऊंगा। छोड़ो मुझे। लक्ष्मण बहुत बड़ी गलती कर रही है, तू पछताएगी। ये कोई कदर वदर नहीं करता तेरी, इंसान नहीं समझता, मैं कीड़ा मकोड़ा समझता। तुझे क्या लगता है प्यार करता है तुझसे? कोई प्यार व्यार नहीं करता, ये इस्तेमाल करना जानता है बस, इस्तेमाल करके छोड़ दिया तुझे। बलविंदर बकवास बंद कर, अपनी आखिरी बार बोल रहा हूँ, छोड़ मनुष्य। देख मुझे से कहा था, ये कहा था भाई तू, जब इसे तेरी जरूरत था तू, तब तेरे साथी प्राची शाहना उन्होंने बचा लिया तुझे, बना बता रहा है इसे, बता दे कौन था वो आदमी और तुझे क्यों? दीदा मैं बताती हूँ, वो ना वो नहीं, मुझे देख रही है ना, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम फाइन। कोई फाइन माइन नहीं है प्राची, वो लोग तुझ पे नजर रख रहे, तेरा पीछा कर रहे हैं, और तुझे क्या लगता है ये अटैक दोबारा नहीं हो सकता? ठीक कह रही है, तुझे किसी की नजर लगी है, तुझे रक्षा कवच पहनना ही होगा। कोई बुरी नजर नहीं है, मैं ठीक हूँ दीदा। नहीं पुत्र, रक्षा कवच तुम्हें लोगों की बुरी नजरों से बचाएगा, ये तो भगवान का प्रसाद होता है पुत्र। मैं अभी लेकर आती हूँ। प्रसाद रक्षा कवच कैसे बन सकता है, इसे तुम खाते हैं ना? चुप कर और सुन, तू ना रिया के बारे में ऐसे सबके सामने मत बोला कर, हम जो बोलते हैं ना दिमाग में वही चीज रहती, फिर घर का माहौल बिगड़ जाए। चाची मैं कुछ गलत नहीं बोलती हूँ, मैं वही बोलती हूँ जो फैक्ट है और कुछ नहीं। कोई सबूत है तेरे पास? है सबूत तो दे मुझे। देख मैं तेरे सामने खड़ी हूँ ना, मुझे कुछ नहीं हुआ है, आई एम ओके। और तू इसे गुस्सा मत कर, गुस्से में ना तेरी नाक अजीब सी हो जाती, तू अच्छी नहीं लगती। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा होता ना तो चाहकर भी उसे कोई मार नहीं सकता था, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारा प्यार मर रहा है, तो तुम्हारा प्यार कभी सच्चा था ही नहीं। मेरा प्यार इतना सच्चा है ना जितना तुम्हारी आँख में अभी मेरे लिए नफरत सच्ची है, उतना सच्चा है। ये नफरत इसीलिए सच्ची है क्योंकि तुम्हारा जो सच्चा प्यार है वो मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए सच्चा है। क्या बोला तुमने? व्हाट यू मीन? एंड प्लीज बी ऑनेस्ट विद मी। ऑनेस्ट? यस। नहीं पता तुमने क्या किया, दुनिया के सामने मुझे पत्नी पत्नी कह के बुलाते हो, उस पत्नी होने का अधिकार किसी और को देते हो, दिन में आके मुझसे प्यार जताते हो, कहते हो मुझसे बहुत प्यार करते हो, और रात में किसी और के बिस्तर पे किसी और के साथ सोते हो। जरा से भी शर्म नहीं आई, और ऐसा बिहेव करते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, बहुत नॉर्मल नॉर्मल ही ना तुम्हारे लिए। नॉर्मल इसलिए बिहेव कर रहा हूँ क्योंकि जैसा तुम बोल रहे हो वैसा मैंने कुछ नहीं किया है, दैट्स व्हाई। मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा है तुमने आंखों से? कि मैं किसी और के बिस्तर से उठाऊं? तुमने बस मुझे उसके बेड से उठते हुए देखा, इसका ये मतलब नहीं कि हमारे बीच में कुछ हुआ। अगर तुम अकेले उठते ना तो कोई बात ही नहीं थी, पर रिया थी तुम्हारे साथ, उसने तुम पर हाथ रखा था, तुमने कुछ पहना नहीं। ऐसा कुछ नहीं है प्राची, मैं नहीं हूँ ऐसा। तुम ऐसे हो, किया है तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? हम एक ही घर में रहते, एक ही छत के नीचे, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे पता चलेगा, मैं गलती से देख लूंगी सुन लूंगी, मेरा दिल कितना टूटेगा और कितनी बार तोड़ूंगी। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? मैंने नहीं किया, I didn't do anything. You did it. You broke my trust again. You did that again. No, मैंने नहीं किया प्राची, कुछ नहीं किया मैंने, I swear मैंने कुछ नहीं किया। किया है तुमने, तुम नशे में थे और रिया भी, और रिया के साथ तुम। हाँ मैं नशे में था, मैं नशे में था, लेकिन रिया रिया नशे में नहीं थी। प्राची ये सब जो कर रही हो ना तुम, ये दिखावा है, ये ड्रामा है, मत करो ड्रामा। दिखावा? हाँ
दिखावा। तुम जो ये दिखा रही हो ना कि तुम्हें मेरी फिक्र है, ये सब झूठ है। क्योंकि अगर तुम्हें मेरी फिक्र होती ना तो तुम मेरी बात सुनती, मुझ पर भरोसा करती। लेकिन तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया, खुद को आउटलाइन करके मुझे आउटकास्ट कर दिया तुमने। अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती तो अपनी ये फिक्र भी मत दिखाओ मुझे। रणबीर देखो अभी तो तुम गुस्से में हो, क्योंकि जब तुम्हारा गुस्सा शांत होगा ना, एक बात शांति से अपने दिमाग में बिठा लेना कि मेरे लिए ना सबसे पहले प्राची है, उसके बाद कोई दूसरा। और तुम चाहते हो मैं प्राची को अनदेखा करके तुम्हारी बात सुनूं। अगर प्राची ने रिया को लेकर कन्फ्रंट किया है ना तो मैं प्राची के साथ खड़ी रहूंगी। क्योंकि अगर प्राची की जगह कोई और दूसरी लड़की भी होती ना तो भी मैं उसका साथ देती, क्योंकि किसी भी औरत के लिए होना ना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही बोला तुमने शाना, लेकिन किसी भी इंसान पे ना अगर गलत इल्जाम लगे वो और भी बड़ी बात होती है। तुम भी तो अपने डैड के साथ थी, तुम्हारे डैड ने तुम्हें कितना प्यार किया, कितने अच्छे से पाला। हाँ नो डाउट डैड ने मुझे बहुत प्यार दिया, कि मुझे वो माँ की जगह नहीं ले पाए, क्योंकि माँ तो माँ होती है ना, और माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। हाँ किसी भूखे को कितना भी पानी पिला दो लेकिन उसकी भूख कभी मिटती नहीं है, वो भूखा ही रहता है। और वैसे ही कोई भी फादर अपने बच्चे को कितना ही प्यार देते पर माँ का प्यार कभी नहीं दे सकता। नॉट जस्ट माई फादर, नो वन इन द वर्ल्ड कैन, नो फादर, चाहे वो कोई नैनी हो या मीरा आंटी। आई नो मीरा आंटी ने मुझे बहुत प्यार किया, मुझे अपनी बेटी माना, मैंने भी उनको अपनी माँ माना, उन्होंने माँ जैसी परवरिश जरूर दी, लेकिन माँ जैसा प्यार वो नहीं दे पाई, क्योंकि कोई दे ही नहीं सकता। इसलिए 20 साल पहले जब मॉम आई थी ना, मुझे मैं खुद अपने आप को उनकी तरफ जाने से नहीं रोक पाई। जब उन्होंने गले लगाया मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे मैं अभी पैदा हुई, ऐसा लगा जैसे उन्होंने मुझे अपनी गोद में ले लिया। पर ये सब तो मुझे लग रहा था, और लगने और होने में बहुत फर्क है। प्राची 1 मिनट पहले पैदा होकर उसने अपना हाथ जमा लिया मुझसे ज्यादा, और मॉम भी उससे ज्यादा प्यार करने लगी। तो ये अभी की बात नहीं है, 20 साल पहले की बात है। डैड से मिली तो डैड को भी छीन लिया, मुझसे दूर कर दिया, और मॉम तो उसकी तरफ थी, इसीलिए तो उस टाइम जब मेरी और रणबीर की शादी हो रही थी मॉम मेरे साथ नहीं थी, मॉम उसके साथ थी मंदिर में, उसकी शादी करवा रही थी। मॉम डैड ने भी तो उसे ही अपनी बेटी माना, और मेरा हस्बैंड उसी को अपनी बीवी मानता है, उसी को प्यार करता है, उसी को रिस्पेक्ट करता है। और पूछी हम तो एक साथ सोए हैं ना, और ये पूरी फैमिली जानती है, पर रणबीर ऐसे बिहेव करता है जैसे हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं। शादी को तो उसने मजाक बना के रखा है, और सुहागरात उसको भी मजाक बना के रखा है। नाउ मुझे टेल मी व्हाट शुड वी डू, बिकॉज़ आई एम गोइंग क्रेजी, आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। क्योंकि हमारे पास जो सबसे बड़ा हथियार था सुहागरात का, वो तो अब काम ही नहीं कर रहा। सो मुझे टेल मी व्हाट शुड वी डू। जिनसे हमारी डोर बंधी हुई है वो खुद उदास है, भतीजा देखा जाए ना तो हम सब उदास है। मतलब कि हम सब ना एक दूसरे से जुड़े हुए, मैं प्राची से जुड़ी हुई हूँ, रणबीर आप से जुड़ा हुआ है, और हम सब के ना सुख दुख जुड़े हुए, मतलब हम सब एक दूसरे से इमोशनली जुड़े हुए हैं। कहना क्या चाहती है पुत्र? यही कि अगर रणबीर प्राची एक दूसरे से उदास है तो हम तो खुश रह ही नहीं पाएंगे, और वो दोनों उदास है वो एक दूसरे के साथ खुश रह ही नहीं पा रहे। भतीजा हम तो तभी खुश होंगे ना जब वो दोनों एक दूसरे के साथ हंसते खेलते दिखेंगे हमें। ये तो है पुत्र, पर दीदा उनका गुस्सा ना इतना ज्यादा है कि मुझे डर लगता है कि कहीं वो गुस्से में आकर अपना रिश्ता ना तोड़ दे। अरे नहीं नहीं पुत्र, चुप चुप बोल, ऐसा नहीं हो सकता। दीदा ऐसा नहीं होना चाहिए, पर मैं जो देख रही हूँ ना मैं वो ही बोल रही हूँ। आपने तो दुनिया देखी है ना, आपने लाइफ के उतार चढ़ाव देखे, तो आप ही मुझे कुछ बताइए कि मैं ऐसा क्या करूँ कि जिससे उन दोनों का गुस्सा शांत हो जाए, वो दोनों वापस से एक हो जाए। पर कर क्या सकते हैं पुत्र, वो दोनों तो एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखते। अरे मुंह देखने की बात छोड़ो, एक दूसरे से बात करना भी नहीं चाह रहे। दीदा इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि आप मुझे बताइए, जो करना है ना मैं करूंगी। तो एक काम कर सकती है, तो सच ढूंढ सकती है कि उस रात को रणबीर रिया के कमरे में क्यों था, और वहाँ क्यों सोया था, और वहीं से क्यों बाहर आया। प्राची को लग रहा है कि रणबीर रिया के साथ सोया था इसलिए वो नाराज है। अगर इस सच का पता चल जाए ना तो दोनों का रिश्ता अच्छा हो जाएगा। लेकिन सच ढूंढना है बहुत मुश्किल। कितना भी मुश्किल क्यों ना, मैं सच ढूंढ के नहीं उसे खोद के भी निकाल के ले आऊंगी। रणबीर इनोसेंट है, उसका सबूत लेकर आऊंगी, उसे प्रूव करूंगी। अभी प्राची ना उसे माफ कर देगी, उसके बाद वो दोनों वापस से एक हो जाएंगे, वो खुश हो जाएंगे तो हम भी खुश हो जाएंगे ना। हाँ पुत्र,
ये बात सही है। इस जन्म में तुम पे भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारा जो सच्चा प्यार है वो मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए सच्चा है। दुनिया के सामने मुझे पत्नी पत्नी कह के बुलाते हो, उस पत्नी होने का अधिकार किसी और को देते हो। मैं तो रूम के बाहर जा रही थी, तुमने मुझे खींच के बेड पे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता हूं यार, मैं नहीं हूं ऐसा इंसान। ऐसा हुआ तो है यार, पर कैसे कैसे कैसे, हाउ हाउ हाउ। सोच रणबीर, सोच, थिंक रणबीर, थिंक थिंक, क्या हुआ था ऐसा उस रात को, व्हाट हैपेंड, सोच। अगर मैं आंखें बंद करता हूं तो मैं प्राची को देखता हूं। मेरी सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि मैं नशे में हो गया, पर मैं नशे में आया कैसे इतना, और क्या कहते स्ट्रांग, मैंने तो कुछ पिया भी नहीं था यार। और मुझे अच्छे से पता है पापा वो वाली भांग पीते हैं जो ठंडाई में मिलाई होती है, इसीलिए मैंने खुद पर्सनली जाके सारी भांग हटा दी थी। मुझे अच्छे से याद है वहां पे सारे ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे, तो डैड और मुझे नशा हुआ कैसे। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा यार, किसने मुझे भांग पिलाई, किसके हाथ से मैंने ठंडाई पी है, कौन था वो इंसान यार। एक तो प्राची, प्राची को मेरा साथ देना चाहिए, प्राची को अच्छे से पता है मुझे भांग नहीं पसंद है यार, तो किसी ने जबरदस्ती मुझे भांग पिलाई होगी। रादर देन दैट वो मुझसे गुस्सा हुई बैठी है, उसको मेरे साथ वो इंसान को ढूंढना चाहिए जिसने मुझे भांग पिलाई और ये सब हुआ है। लेकिन नहीं, वो मेरा भरोसा थोड़ी करेगी, उसके लिए तो मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूं। ऑफकोर्स बुरा इंसान हूं मैं, एक बुरा इंसान बन सकता हूं, लेकिन किसी की साजिश का शिकार नहीं बन सकता। I have to prove everyone that I'm innocent. मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब भांग से स्टार्ट हुआ था ना। मैं इसकी तह तक जाऊंगा, अच्छे से जान के रहूंगा कि मुझे उस दिन भांग पिलाई किसने, मैं जान के रहूंगा कि उस दिन एक्चुअली हुआ क्या था। और जब तक मैं जान नहीं लेता ना, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जा रहा हूं मैं यार, तू सुन नहीं मेरी कोई बात, तुमसे बहुत दूर जा रहा हूं मैं, मुझे I don't want anything from you। मैंने उस वक्त बहुत ज्यादा बोल दिया यार, मुझे सॉरी बोल देना चाहिए प्राची को। इस जन्म में तुम पे भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारा जो सच्चा प्यार है वो मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए सच्चा है। मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था, मैं ज्यादा ही बोल दी, अब बोल दिया है तो सॉरी भी बोल देना चाहिए। आंसू ये मेरे, गॉड यहाँ कितनी ठंडक है, मैं सुबह जल्दी उठ के यहाँ से निकल जाऊंगी, ताकि रणबीर क्या किसी और को भी पता ना चले। अलार्म लगा देती हूँ मैं, सुबह 5 बजे का अलार्म लगाती हूँ, 5 बजे तो कोई नहीं उठता, जल्दी उठ के चली जाऊंगी अपने कमरे में, किसी को पता नहीं चलेगा।